रैंक फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, नोट कीजिएगा। मेरी जो बाउंड्री थी वो H3 से H12 तक है, ठीक है। ये H3 से लेकर H12 तक के रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मैं जैसे ही इस फार्मूले को यहाँ पे कॉपी करूँगा तो 7th पोजीशन आई, लेकिन इसकी रेंज में ये सेल नहीं आया। इसी तरह मैं जब इसको नीचे वाले सेल पे लेके जाऊँगा तो इसमें अब ये दो सेल ख़त्म हो गए, क्योंकि उसने क्या किया कि आपके बताए हुए फार्मूले को अपडेट किया। हमारे फार्मूले में क्या था, इसी H3 से स्टार्ट करना और H12 तो लेके जाना। अब अगले सेल में वो H4 से स्टार्ट करके 13 पे ले गया, रखे 10 ही हैं सेल उसने सारे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, हमें H3 से 12 तक रैंक चाहिए था। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रॉब्लम क्या इस पर आएगी, नोट करें। मैं जब रिजल्ट अपडेट करूँगा तो देखें, हुआ ये कि इसकी भी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, फिफ्थ वाला है ही कोई नहीं, ना सिक्स किसी के पोजीशन है, ना एट है, ना नाइन है, ना टेन है, रिपीट होना शुरू हो गए। अब इस सूरत में हमें करना क्या है, आपने अपने इन एड्रेसेस को फिक्स करना है। यहाँ पे इन एड्रेसेस को फिक्स करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप यहाँ पे डॉलर साइन लगा देते हैं, हर करेक्टर से पहले डॉलर साइन लगाएंगे। ये एच से पहले लगाया, नंबर से, यानी कि रो नाम, रो नंबर और कॉलम नंबर, इन दोनों से पहले आपने डॉलर साइन लगा देना है। इससे क्या होगा कि ये रेंज फिक्स हो जाएगी। अब मैं एंटर करता हूँ, नोट कीजिएगा, मैं नीचे कॉपी करता हूँ तो एड्रेस सब के अंदर सेम रहा, H3 से H12, H3 से H12, देखिए सब के एड्रेसेस सेम है। तो एड्रेसेस को फिक्स करने के लिए आप लोग डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि आपका सेल फिक्स हो जाता है। अब देखिए आपके पास पूरा एक रिजल्ट कार्ड तैयार हो गया, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब आपको जिस तरह वर्ड में मैंने मेल मर्ज सिखाया था, तो मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए आप इसका पूरा एक रिजल्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं। रिकॉर्ड 1000 भी हों, डजंट मैटर, रिकॉर्ड आगे 50,000 भी आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। आपको जरा जस्ट क्या करना है, डबल क्लिक करके नीचे लेके आना है। जैसे देखें मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स एंटर कर लेता हूँ, और ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ मार्क्स एंटर किए, ठीक है। और अब मैं सिंपली, देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करता हूँ तो देखें उसके ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। मैं इन्हीं चारों सेल को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ तो सारी चीज़ें अपडेट हो गई। लेकिन चूंकि ये रैंक की पोजीशन में वो चीज़ें नहीं थी, एड्रेसेस फिक्स थे, तो इसलिए वहाँ पर रैंक उसका नहीं निकाला जा सकता। सो इसी तरह अब आपके पास इसको स्टोर करना चाहते हैं, आप सेव कर लें। मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। मैं कहता हूँ कि जी रिजल्ट कार्ड शीट, ओके। अब ये आपकी एक शीट तैयार हो गई है, कल को टेस्ट इसके मार्क्स चेंज करते हैं तो देखें सारे फार्मूले अपडेट हो गए, ठीक है। तो जैसे ही आप मार्क्स एंटर करते जाएंगे तो उसके मुताबिक उसका रिजल्ट अपडेट होता जाएगा। अब आपने इसका जो है वो प्रिंट लेना है या इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करना है, यू कैन यूज़ दैट। अब हमारी असाइनमेंट का आखिरी हिस्सा एक और भी है, अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन पास शुड बी अपेयर इन ग्रीन कलर, अदरवाइज फेल शुड बी अपेयर इन रेड कलर। सो ये काम करना कैसे है, आपने ये तमाम सेल सेलेक्ट कर लिए, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है, लेस देन टेक्स्ट कंटेन अ डेट अकरिंग, या मैं टेक्स्ट के ऊपर पहले अप्लाई करता हूं, टेक्स्ट कंटेन। सो मैंने कहा अगर टेक्स्ट के अंदर पास लिखा होता है तो क्या करो, इसको ग्रीन विद फिल डार्क ग्रीन आप इसके साथ कर दो। और अगर मैं यहाँ ये अप्लाई करता हूँ, इसी तरह एक और रूल अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, एक और रूल अप्लाई करता हूँ कि अगर फेल लिखा होता है तो इसको आप क्या करो, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड फिल, ओके। सो देखें यहाँ पे उसने अपडेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे किसी के रिकॉर्ड को चेंज करता हूँ, उसको फेल करता हूँ तो देखें कलर चेंज हो गया। सो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया है। इसी तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपने सेल रूल ग्रेटर देन लेस देन के लिए, बिटवीन के लिए अप्लाई कर दें, इक्वल के लिए अप्लाई कर दें,
आप डेट अकरिंग के लिए अप्लाई कर दें, डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए अप्लाई कर दें, तो जो भी रूल आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन यूज दैट। अब इसी तरह कल को एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर जी आपने कहा रिकॉर्ड नंबर 11 है और उसका नेम जो है वो नवीद है और ये एमकॉम का स्टूडेंट है, इसके टेस्ट वन में 43 मार्क्स थे, 54 यहाँ पे चूँकि वैलिडेशन नहीं लगी हुई, तो उसका तरीकाकार क्या है, इस पर वैलिडेशन है, इन तीनों सेल्स को कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर लें, डिलीट दबा दें, डाटा आउट हो गया लेकिन फॉर्मेटिंग इसकी एक्सेप्टेबल होगी। मैंने कहा इसके 45 हैं, 76 अलाउ नहीं होंगे तो 47 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं 39 करता हूँ। सो देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया 39 लिख के मैं आऊँगा आगे, उसने खुद ही गेस किया कि जनाब यहाँ पे कोई फॉर्मुलेशन अप्लाई हो रही है। सो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो देखें उसने उसको अपडेट कर दिया। अब ये तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, अब ये अपडेट नहीं हुआ, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस ऊपर जाके फार्मूला एडिट करेंगे, यहाँ पे इसको 12 की बजाय 13 कर देंगे और इस फार्मूले को अब अपडेट करना है सबके अंदर। सो देखें उसकी पोजीशन अपडेट हो गई। अब आपके जितने मर्जी रिकॉर्ड्स हों, जितने भी रिकॉर्ड हैं आप उसके मुताबिक इसको अपडेट कर सकते हैं, शीट आपके सामने है, अब आप इसको जितना रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऐड करते जाएं, आपका रिकॉर्ड रिजल्ट शीट तैयार है। इसी तरह 6 टेस्ट हैं, 15 हैं, 50 सब्जेक्ट हैं, CGPA कैलकुलेट करना है तो उसके फार्मूलेशंस होती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मैनुअल मैकेनिज्म का पता हो, आपको पता हो कि ये जैसे देखें ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, परसेंटेज मैनुअली कागज़ पर कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, और ये पॉलिसीज जो ग्रेड से रिलेटेड हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन की हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट अपनी एक्सेल शीट के ऊपर डिफरेंट फार्मूलेशंस अप्लाई करके आप अपना डाटा शीट मेंटेन कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये एडिशनल है इसके अंदर के, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको डाटा को सॉर्ट करना है, आप कहते हो जो मुझे रिजल्ट दिखाओ पोजिशन के हवाले से, पोजिशन वाइज इसको अरेंज करो, तो आप जनाबे वाला क्या करेंगे, यहाँ से इतनी डाटा को शीट को सेलेक्ट करेंगे। अब देखें ना, मैंने टाइटल सेलेक्ट नहीं किए, मैंने यहाँ से सीरियल नंबर सेलेक्ट नहीं किया, मैंने जितनी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है रिलेटेड है उसको सेलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया, कस्टम सॉर्टिंग पे आते हैं। जैसे ही कस्टम सॉर्टिंग पे आए, सॉर्ट बाय किस तरह से सॉर्ट करना है, मैं कहता हूँ पोजिशन के मुताबिक सॉर्ट करो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ आओ, ओके करूँगा तो देखिए मेरी शीट नाम हर चीज़ उसके मुताबिक अपडेट हो गए, सो पोजीशंस उसके मुताबिक अपडेट हो गया। लेकिन याद रखिए ये वन टाइम है, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ चेंज होती है, फॉर एग्जांपल 26 है तो पोजीशन इसकी चेंज हुई है, यहाँ पे मैं 23 करता हूँ, देखें पोजीशन इसकी चेंज हुई है लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ, सॉर्टिंग अपडेट नहीं हुई है, तो उसके लिए दोबारा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉर्टिंग में गए, कस्टम सॉर्ट, यहाँ से पोजीशन के मुताबिक ओके, तो ये जनाब आपकी पोजीशन सॉर्टेड हो, आपकी पोजीशंस के मुताबिक ये डाटा शीट सॉर्ट हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर बॉर्डरिंग लगाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं और इसको ऑल बॉर्डर्स कर दें तो ये बॉर्डर्स की फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट लेआउट में लेके आता हूँ, देखिएगा, सो प्रिंट लेआउट में वो डिफरेंट ऑप्शंस लेता है, प्रिंट सिलेक्शन, ठीक है, नॉर्मल मार्जिन रखना है, ओके, लैंडस्केप में लेके आओ तो ये देखें पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे लैंडस्केप की फॉर्म में आ गया, नो स्केलिंग है, ऑल कॉलम फिट टू वन पेज, तो ये सारे कॉलम एक पेज पे आ जाएंगे। अब इस तरह आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और जो फर्दर आप इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा, इंजॉय भी किया होगा और नई चीज़ें सीखी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।